अगर आप क्रिकेट की सारी लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो तो बस सब्सक्राइब करें क्रिकेट ट्रू फैंस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें इस बेल के आइकॉन को लेटेस्ट अपडेट पाए सबसे पहले। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज 2019 के फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच के बारे में जो कि 3 अगस्त 2019 को खेला जाएगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दोनों टीम्स की फाइनल प्लेइंग 11 फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच के लिए और साथ ही साथ आपको बताएंगे ये मैच कब और कहां और कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा और क्या अटेम्प्ट स्टार्ट होगा। दोस्तों पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज 2019 का फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच 3 अगस्त 2019 सैटरडे को खेला जाएगा जो कि मैच फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रोवर्ड रीजनल पार्क में खेला जाएगा और ये मैच 8 PM से स्टार्ट होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंडिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज 2019 में टोटल 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज खेली जाएगी 3 अगस्त 2019 से लेकर 6 अगस्त 2019 तक, जो कि BCCI ने टीम इंडिया के ऑफिशियल स्क्वाड अनाउंस कर दिया है जिसमें MS धोनी, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल जैसे दिग्गज प्लेयर्स को T20 सीरीज से आराम दिया गया है और कृणाल पांड्या, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर और खलील अहमद जैसे युवा प्लेयर्स को मौका दिया गया है और T20 वर्ल्ड कप 2020 के लिए ये युवा प्लेयर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे ये प्लेयर्स अच्छा प्रिपेयर होंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे और T20 वर्ल्ड कप 2020 भारतीय टीम को जितवाएंगे। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की फाइनल प्लेइंग 11 फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच के लिए, जो कि सबसे पहले बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11, जो कि नंबर 1 पर आते एवन लेविस, व 2 पर आते जॉन चैम्बल, व 3 पर आते शिमरॉन हिटमायर, व 4 पर आते निकोलस पुरन जो के विकेट कीपर बल्लेबाज है वेस्ट इंडीज के, व 5 पर आते किरॉन पोलार्ड, व 6 पर आते एंड्रू रसल, व 7 पर आते कैलस ब्रैथवेट जो के कप्तान है वेस्ट इंडीज के, व 8 पर आते सुनील नारायण, व 9 पर आते ओशेन थॉमस, व 10 पर आते शेल्डन कॉटरल, व 11 पर दो नाम आ रहे हैं, पहला नाम कीमो पॉल, दूसरा नाम खारी पेरी। दोस्तों ये तो रहे वेस्ट इंडीज की फाइनल प्लेइंग 11 इंडिया के खिलाफ फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच में देखने को मिलेगा। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच के लिए, जो कि नंबर 1 पर आते रोहित शर्मा जो के वाइस कैप्टन है टीम इंडिया के, एक जबरदस्त वेल एक्सपीरियंस बल्लेबाज है। मैं 2 पर आते शिखर धवन टीम इंडिया के बेहतरीन बल्लेबाज, मैं 3 पर आते विराट कोहली जो के कप्तान है टीम इंडिया के, एक रन मशीन है। मैं 4 पर आते KL राहुल जो कि टीम इंडिया के बेहतरीन बल्लेबाज है। मैं 5 पर दो नाम आ रहे हैं, पहला नाम श्रेयस अय्यर, दूसरा नाम मनीष पांडे, जो कि श्रेयस अय्यर के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि श्रेयस अय्यर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं IPL 2019 से लेकर अभी तक। नंबर 6 पर आते ऋषभ पंत जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है टीम इंडिया के, एक युवा जबरदस्त वेल एक्सपीरियंस हिटर बल्लेबाज है टीम इंडिया के। बस 7 पर आते कृणाल पांड्या जो कि टीम इंडिया के बेहतरीन ऑलराउंडर है जो कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी बहुत ही शानदार करते हैं। बस 8 पर आते रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के बेहतरीन जबरदस्त वेल एक्सपीरियंस ऑलराउंडर है जो कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी बहुत ही शानदार करते हैं। नंबर 9 पर आते भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया के बेहतरीन तेज गेंदबाज है। मैं 10 पर आते खलील अहमद टीम इंडिया के युवा तेज गेंदबाज है। मैं 11 पर दो नाम आ रहे हैं, पहला नाम नवदीप सैनी, दूसरा नाम दीपक चाहर। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में थे, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।